कश्मीर में सैनिकों पर हो रही पत्थरबाजी को लेकर के अब उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कानपुर में एक संत ने जनसेना का निर्माण किया है। ये तमाम लोग मौजूद हैं जो कश्मीर जाने के लिए तैयार है। वहाँ पर जिस तरीके से सैनिकों पर पत्थरबाजी घटनाएं हो रही हैं उसको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये हमारे साथ जो मौजूद है अरुण पुरी जी, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये वहाँ जाकर क्या करेंगे। अरुण जी, जिस तरीके से घटनाएं हो रही कश्मीर में उसको लेकर के आपने जनसेना का निर्माण किया है, कैसे जाकर के वहाँ निपटेंगे उनसे? जम्मू एंड कश्मीर में निरंतर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसी को मद्देनजर देखते हुए हम तमाम संतों ने एक जनसेना में पब्लिक आर्मी गठन किया है और संतों की अगुवाई में जनसेना में व्यापक विशाल बड़े पैमाने में इसमें लोग जुड़ रहे हैं। आज हम लोग 10 बजे जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर और जो पुंछ और कृष्णा घाटी है वहाँ के लिए हम लोग आज कोशिश करने जा रहे हैं और यहाँ से एक ट्रक साथ में पत्थर भी ले जा रहे हैं। वहाँ के पत्थरबाजों को हम लोग बड़े बड़े पत्थरों से उनका सीधे हमने जो अभी प्रशिक्षण किया है हमने सीधे फेस पे मुंह पे निशाना लगाया है सभी लोगों ने। आपने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी थी जाने की, अभी तक का परमिशन नहीं दी, ऐसे में क्या लगता है जो आपका ये उद्देश्य कितना सफल हो पाएगा? मैंने जिला प्रशासन से परमिशन नहीं मांगा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से माननीय जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर के माध्यम से परमिशन मांगा था 24 अप्रैल को, परंतु किसी भी प्रकार का हाँ या ना में जवाब नहीं मिला है। तो उस स्थिति में हम लोगों ने मौन स्वीकृति मानते हुए हम लोग आज यहाँ से जनसेना के सभी सम्मानित सदस्य नेता और पदाधिकारी आज यहाँ पे भारी मात्रा में हजारों की संख्या में कूच कर रहे हैं। को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जैसे वो हमारी सेना पे पत्थरबाजी कर रहे हैं वैसे हम उनके ऊपर पत्थरबाजी करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जनसेना कश्मीर पहुंच सकती है और वहां पर पत्थरबाजों को मुंह तोड़ जवाब देगी या फिर इनको यूं ही मायूस होकर लौटना पड़ेगा। शिवा शर्मा, APN न्यूज़, कानपुर।